हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार ये भी चेक करा दीजिए, आ जाइए सब लोग फटाफट। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं। करंटली आई एम ए पीएचडी स्कॉलर। इसी के साथ, अगर अभी तक आपने जीआरएफ अड्डा का फ्री कॉन्टेंट अगर एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए या फिर अपडेट कर लीजिए। क्लासेज आपको अवेलेबल है जीआरएफ अड्डा पर कंसोलिडेटेड वे में। फ्री क्लासेज आपको अवेलेबल हो जाती है, क्विजेज आपको मिल जाती हैं, जो भी हमारे यूट्यूब के सेशंस होते हैं उनका स्टडी मटेरियल आपको जेआरएफ अड्डा पर मिलता है। तो अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं कराया जेआरएफ अड्डा को तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्ली जो है सभी चीजें आपको फ्री प्लेटफॉर्म पर मिल रही है जेआरएफ अड्डा पर, और क्विज भी जो है हमारी फ्री प्लेटफॉर्म पर ही चल रही है, पेपर वन प्लस पेपर टू की। इसी के साथ एटम 2.0 बैच की अगर बात करें, पेपर वन प्लस पेपर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 13999 में आपको मिल रहा है, और इसमें आपको टेस्ट सीरीज, हैंडबुक, क्रैश कोर्स, ये सभी चीजें आपको मिल रही है पेपर वन प्लस पेपर टू, अपडेटेड सिलेबस के साथ लाइव क्लासेस हो रही हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की खासकर। तो बिल्कुल आप लोग जुड़ सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। अभी हमारी फिलहाल यूनिट नंबर 3 चल रही है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन में है बच्चे, बहुत बढ़िया प्रिपरेशन चल रही है बच्चों की, काफी जो है एंथुजियास्टिकली क्लासेस अटेंड करते हैं। इसी के साथ अगर आपको और भी कोई पेपर जो है, अगर आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं तो बिल्कुल आप पेपर वन प्लस पेपर टू की क्लासेस ले सकते हैं। पेपर वन आपको 4999 में मिलता है जेआरएफ अड्डा में। पेपर टू अगर केवल आपको चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिर्फ आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए पेपर टू में, तो आपको 9999 में मिलता है ये। और अगर आपको दोनों पेपर वन प्लस पेपर टू कंबाइन चाहिए तो आपको 13999 में ये जो है क्लासेस कोर्सेज जो है आपको मिल जाते हैं ओनली ऑन जेआरएफ अड्डा। बेसिक से बेस्ट की तैयारी बिल्कुल, 2 बजे हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस होती हैं जेआरएफ अड्डा पर, तो आप सभी लोग 2 बजे जुड़ जाइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जेआरएफ पर अड्डा पर। और इस बार जो है जेआरएफ अड्डा ने 500 से ज्यादा रिजल्ट दिए हैं, अगेन बहुत बड़ी बात हो जाती है एक प्लेटफॉर्म के लिए जो अभी कुछ ही साल पुराना है। तो बिल्कुल जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा, और ये बात सत्य है और इस सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं। आज का जो सेशन है काफी पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है, काफी सारे उन बच्चों के लिए जो अपने पीएचडी को टारगेट कर रहे हैं प्रिपरेशन के साथ साथ। तो कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो करवाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीएचडी, आज इनकी बात कर लेते हैं, और किस तरीके से जो है आप इन यूनिवर्सिटीज को अप्रोच कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मैं ये इन ब्रीफ आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो बिल्कुल अगर आपको लगे कि ये सेशन यूजफुल है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, डिसेमिनेट करना इन्फॉर्मेशन के सभी बच्चों तक ये बात पहुंच जाए। ऑल्सो कॉमेंट करना कि कहीं ना कहीं अगर आपको ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन अगर हेल्पफुल है तो बताना, ताकि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और भी आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन लेकर आती रहूं। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो लोग पीएचडी को फुल टाइम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऑप्शन बिल्कुल बचता है जो है इग्नू से। इग्नू भी आपको पीएचडी करवाता है, और पीएचडी के लिए इग्नू आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट करता है, ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट होते हैं इग्नू के द्वारा। तो बिल्कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से आप पीएचडी, जो लोग डिस्टेंस से हैं या फिर जो लोग अगर किसी और फील्ड में इंडल्ज है और पीएचडी करना चाहते हैं डिस्टेंस से, तो बिल्कुल वो लोग जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इग्नू में पीएचडी कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो आपका यूनिवर्सिटी है उसको आप बिल्कुल ये यूनिवर्सिटी को नाम भूले, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के नाम से जानी जाती है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल जो कंबाइंड पीएचडी का एंट्रेंस हुआ था इस बार, पहली बार ऐसा हुआ था कि 4 यूनिवर्सिटी जिसमें डीयू, जेएनयू, आपका बीबीएयू और साथ ही जो है बीएचयू, इन 4 यूनिवर्सिटीज के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंबाइन हुए थे, जी हाँ चौथा भी है इसमें बीएचयू, तो उसमें आपकी बीबीयू थी और बीबीएयू जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है पीएचडी के लिए। तो बिल्कुल पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, जेआरएफ के बदौलत भी आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये सभी बच्चों के लिए, खासकर बिकॉज एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो होल सोल तरीके से डेडिकेटेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आप इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने भी इस यूनिवर्सिटी का एग्जाम और इंटरव्यू क्वालिफाई करा हुआ है, तभी जानती हूँ कि यूनिवर्सिटी काफी अच्छी है। तो बिल्कुल आप लोग इसमें जा सकते हैं, खासकर जो यूपी से हैं या आसपास के एरिया से हैं, तो ये यूनिवर्सिटी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इसी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, देखिए राजस्थान
हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर ना एज अ सब्जेक्ट, एज अ डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अच्छा बोलबाला है। तभी आपने देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो नौकरियां निकलती हैं वो सबसे ज्यादा राजस्थान में पीएचडी की सॉरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के स्टेट के पीसीएस जो होते हैं वो बिल्कुल असिस्टेंट प्रोफेसर के राजस्थान के अंदर हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप चाहे तो पीएचडी करते करते अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो वही चीज है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल करवाती है और एंट्रेंस एग्जाम होता है इस यूनिवर्सिटी का। आप इसको भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो है क्वालिफाई कर सकते हैं, रिसर्च प्रपोजल बनाकर इंटरव्यू दीजिए और आपका एग्जाम क्वालिफाई होकर आप एनरोलमेंट ले सकते हैं पीएचडी के लिए। अगेन यूनिवर्सिटी जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसी के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल्कुल बहुत बढ़िया है, यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है उस तरीके से वर्क करता है कि होलिस्टिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर आपको मैक्सिमम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट मिलेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, बढ़िया चल रहा है यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बच्चे जो है आ सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। इनफैक्ट अगर मैं आपको बोलूं बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है फिलहाल, अभी मैं कुछ दिनों पहले यहाँ पर गई थी रिसर्च के पर्पज से, बहुत ही बढ़िया कैंपस है, बहुत ही बढ़िया वाइब है उस कैंपस की और काफी मतलब अगर हम बोले कि मजा आता है मतलब उस कैंपस लाइफ में। और आप लोग बिल्कुल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीएचडी के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसका भी एंट्रेंस होता है, इसका भी एंट्रेंस होता है और बच्चे जो है चाहे तो जेआरएफ से भी अप्लाई कर सकते हैं। एंट्रेंस इसका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही आएगा, तो जो बच्चे इसमें नहीं अप्लाई करना चाह रहे मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते, क्योंकि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस वगैरह कुछ नहीं पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बिल्कुल अगेन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसी के साथ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये भी आपका जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम हुआ है जिसमें डीयू जेएनयू आपका बीबीएयू और बीएचयू चार यूनिवर्सिटी शामिल हुए, उसी के थ्रू इसने भी अपना जो है अब पीएचडी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है इस तरीके से करा दिया कि कंबाइंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। तो लेकिन यहाँ पर इस बार जो है 2023-24 की अगर सीट की बात करें पीएचडी में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो जीरो सीट थी, अभी कुछ दिन से एक ही सीट आ रही है, ठीक है। मुश्किल होता है थोड़ा, लेकिन वही है अगर जो लोग जेआरएफ हैं और जो लोग टारगेट करना चाह रहे तो बीएचयू भी आप टारगेट कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर होते हैं, आरईटी जो एंट्रेंस एग्जाम था वो होता था यहाँ पर बिकॉज अब लेकिन कॉम्बाइंड एंट्रेंस एग्जाम कर दिया है, तो अब जो है एनटीए कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा। अगर कल दिन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीट आती है यहाँ पर तो बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली एक और अच्छा ऑप्शन है आपकी लिस्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पीएचडी इस यूनिवर्सिटी में होती है, तो अगर आप नहीं जानते थे तो बता रही हूँ कि बीएचयू में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है आपको पीएचडी करवाई जाती है। जामिया मिलिया इस्लामिया, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बोलूं तो कोई कंबाइंड डिपार्टमेंट नहीं है, सॉरी कोई सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है यहाँ पर, सॉरी करेक्ट कर देती हूँ, कोई भी सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है, कंबाइंड ही होता है यहाँ पर। और सिमिलरली कंबाइंड डिपार्टमेंट के साथ ही कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट भी होता है और उस एंट्रेंस टेस्ट में कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में आपसे सब कुछ पूछ लेंगे, मतलब पॉलिटिकल साइंस भी आ जाएगा, ह्यूमन राइट्स भी आ जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई है ऑलरेडी वो इस यूनिवर्सिटी को बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपका इंटरव्यू जो है आप इंटरव्यू में डायरेक्ट बैठ जाते हैं, यानी कि नेट क्वालिफायर्स भी, ये नहीं कि केवल जेआरएफ ही मांग रहा है बल्कि नेट क्वालिफायर्स भी यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ जाते हैं और नेट क्वालिफाई के भी हाई चांसेस रहते हैं रिसर्च प्रपोजल के माध्यम से सिलेक्शन मिलने के पीएचडी के इंटरव्यू में, मतलब पीएचडी क्रैक करने के लिए। तो लेकिन यहाँ पर जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटिकल साइंस जो है पीएचडी के लिए अवेलेबल है, बट हाँ एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर कंबाइंड लेवल में ही आएगा, पॉलिटिकल साइंस पूछी जाएगी एंट्रेंस एग्जाम में और इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है, तो बिल्कुल ये भी आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मास्टर्स वाला क्या पीएचडी में अप्लाई नहीं कर सकता यहाँ पर जिसकी मास्टर्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ऐसा नहीं है, जिसकी मास्टर्स से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, बहुत अच्छे ऑप्शन रहते हैं आपके पास स्टेट यूनिवर्सिटी, अगेन वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि अगर मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं बहुत अच्छा स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, हिमाचल प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं बहुत अच्छा स्कोप है यहाँ पर भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और अगेन लखनऊ यूनिवर्सिटी को कैसे भूल सकते हैं जहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स एक सेपरेट पेपर के तहत जो है शुरू हुआ था। तो बिल्कुल लखनऊ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में जो है ये भी स्टेट यूनिवर्सिटी में बहुत बढ़िया बहुत उम्दा यूनिवर्सिटी है, बहुत कंपटीशन भी होता है इस यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप बिल्कुल इस यूनिवर्सिटी में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं।
जेआरएफ के माध्यम से, नेट के माध्यम से जो है आप यहाँ पर अपना एंट्रेंस एग्जाम भी यहाँ पर होते हैं, तो बिल्कुल आप इन जगहों पर जो है जिनका नेट है और जो इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया उनके लिए तो बेस्ट ऑप्शन है ही है। केवल एंट्रेंस एग्जाम या नॉन सेट नॉन नेट वालों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए कोशिश करो या तो सेट या तो नेट, ये तो एटलीस्ट क्वालिफाई कर ही लो सभी लोग। और जो आसपास रह रहे हैं अगर उनके जेआरएफ भी क्वालिफाई है तो आप इस यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। पीएचडी जो है ये यूनिवर्सिटीज आपको देती हैं। इसी के साथ ऑप्शंस की अगर बात करें, इसी के साथ अगर और ऑप्शंस की बात करें ना, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ कि डीयू जेएनयू इन जगहों पर कॉम्पिटिशन जो है इस तरीके का है कि अगर आपका जेआरएफ है ना, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, केवल डीयू जेएनयू की बात नहीं करूंगी मैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ही बात करती हूँ कि वहां पर ना बेसिकली मेजर प्रेफरेंस ही जेआरएफ को दी जाती है, मेजर प्रेफरेंस जेआरएफ को दी जाती है। तो अगर आप जेआरएफ को टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल जेआरएफ को टारगेट करिए, कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठेंगे और एक बढ़िया कॉम्पिटिशन लेकर बैठेंगे जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे जेआरएफ के साथ, ठीक है, क्योंकि आपने एक नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई कर रखा होगा और आप इंटरव्यू में डायरेक्ट बैठ रहे हैं तो आपके चांसेस जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, एक यही आपको ब्रीफ देने के लिए था, खासकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो मेरे बच्चे हैं बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कहाँ फॉर्म डालें कैसे डालना चाहिए, तो ये एक ब्रीफ था आपके लिए, ठीक है, जो है सेशन के लिए। अगर और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये केवल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए ही है, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ पेड क्लासेस फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेड स्टूडेंट के लिए 7 बजे होती है, यूट्यूब पर हम 2 बजे पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज लाइक करना, कॉमेंट करना, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।